ये ना बिग बास्केट से, आजकल मेरी बिग बास्केट से कंप्लेंट्स बहुत बड़ी हुई हैं। ये बिग बास्केट से दूध मंगाया था, थोड़ा सा अलग से उबाला तो जी ये फट गया। ठीक है जी, और ये बाकी का भी जो है फटने की मतलब सारा फटने की कगार पे है, क्योंकि इन्होंने स्टेल दूध भेज दिया मेरे को। दिख रहा है ये कडल हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं है कि भाई ये दूध वो हो गया। अब क्या था, मैंने चैट बॉक्स में जाके ना मेरे को कंप्लेंट करनी थी कि दूध फट गया, तो इंग्लिश में करनी थी, तो मेरे को याद ना आए कि इसको कहते क्या है दूध फटने को। तो मैंने काजल को बोला, मैंने कहा जरा गूगल पे देख दूध फटने को क्या कहते हैं, तो देखो दूध फटने को वो क्या बता रहा है, मिल्क बर्स्ट। अपना ही दिमाग लगाना पड़ा, याद करना पड़ा कि भैया क्या होता है कर्डलेट, मिल्क इज कर्डलेट, ये करना पड़ा। तो भैया गूगल भी जो है ना कई बार सही आंसर नहीं देता। और इससे ज्यादा मजे की बात बताऊं, बिग बास्केट ने उसको रिटर्न में लिया है, वो कह रहे हैं शाम को 7 बजे बिग बास्केट वाले पिक करेंगे। कैसे पिक करेंगे? और मैंने उनको क्वेश्चन किया चैट बॉक्स में, मुझे ये बता दो उबले हुए दूध को तुम पिक कैसे करोगे, आप लोग बताओ उबले दूध को ये कैसे लेके जाएंगे। कहानी दोस्तों यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, आगे का किस्सा बताऊं। अब ये वाला सारा दूध तो फट गया था जो बिग बास्केट से 2 लीटर मैंने मंगाया, तो फिर से हमने अनदर 2 लीटर मंगाया, किससे काजल, जेप्टो से, जेप्टो से मंगवाया। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, ये देखो यूज बाय 18th में, ये सारे एप्स का पता नहीं क्या हो गया है, ये पूरा लॉट शायद एक ही जना अमूल का सप्लाई कर रहा है, ये अमूल का दूध है। ये देखिए ये भी अभी चढ़ाया है, आते ही इसको गैस पे सीधा रखा, वो भी अभी मंगाया था सुबह को, सीधा फ्रिज में रख दिया था और अभी उबाला था, मतलब मुश्किल से 1 घंटे बाद। ये भी पूरा 2 लीटर दूध जो है ये फट चुका है। तो भाई अमूल बोलूं या फिर ये एप्स बोलूं, या तो रेफ्रिजरेशन की कोई प्रॉब्लम है या पीछे से जो सप्लाई आई है जो यूज बाय 18 मई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। अभी ये सारी एप्स देखें। अच्छा अब एक टेस्ट भी है, बिग बास्केट को मैंने बोला है, उन्होंने बोला शाम को उठा रहे हैं, अभी हम जेप्टो पे भी चैट कर रहे हैं और वहां का भी रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कम से कम कि दोनों में से किसकी रिफंड पॉलिसी जो है बेटर है। एज फार एज बिग बास्केट इज कंसर्न, मेरा अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रिफंड के मामले में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। जेप्टो मेरे लिए नया है और फ्रेंकली स्पीकिंग स्विगी के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये जेप्टो शेप्टो स्विगी स्विगी ब्लिंकिट शिंकिट किसी पे भी यकीन नहीं था, इसलिए मैं बिग बास्केट पे ट्रस्ट कर रही थी। पर चलो ये अब कुछ चीज ऐसी लग रही है, ये जो है शायद इनकी उसके बियॉन्ड है। अभी होता क्या है, जैसे ट्रक्स लेके निकलती हैं, प्रोबेबली 18 मई का जो पूरा यूज बाय 18 मई वाला बैच है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलो कई बार जो होते हैं ना इमेजेस जो होती हैं वो डिसेप्टिव होती हैं। जेप्टो के बारे में मैं बोल रही थी, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मेरे लिए नया है, हम लोग उससे अभी मंगाना शुरू नहीं किए हैं। जितनी देर में मैं पिछली वाली वीडियो की क्लिपिंग बना रही थी उतनी देर में मेरी बेटी ने बोला मम्मी रिफंड आ गया, हमारे पास उसका रिफंड भी आ गया। लेकिन बिग बास्केट जो है अभी तक मेरे को चैट में उन्होंने ये मैसेज किया है आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू बैक, और उस चीज को करीबन 1 घंटा हो गया अभी तक तो किसी का कॉल नहीं आया, और मैं उस दूध को संभाल के बैठी हुई हूँ, फटे हुए दूध को फेंकू रखू थैली में उतारू क्या करूं उसका। और ये है बिग बास्केट का जवाब दोस्तों। बिग बास्केट बोलता है कि शाम को आएगा 7 से 10 के बीच में दूध कलेक्ट करने। अब मैंने चैट में लिखा है कि उनको बोल अपना पतीला लेके आए क्योंकि मेरे पतीले में उबला हुआ दूध पड़ा है, तो उसके ऊपर चैट कन्वर्सेशन क्लोज कर दिया गया है।